हेलो ता थोड़ी हेलो इजाजत नाल ते थोड़ी मर्जी नाल छोटी जी जड़ी गिदड़बा शहर दे विच जड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी पार्टी वालों से करन जा रहे हैं और मेरा गिदड़बा नाल जड़ा रिश्ता है इस वो मिट्टी दा रिश्ता है, वो प्यार दा रिश्ता है, मोहब्बत दा रिश्ता है और इस इलाके ने मैनू इज्जत बख्शी है। मैं उस हैसियत नाल अज इतों के लोगों के जो दिलों की तर्जुमानी है वो कर जा रहे हैं और गिदड़बा की सियासी तारीख के अज बड़ा काला दिन है, सिया दिन है कि तकरीबन 29 सरपंचों के पंचों के कागज़ जोड़े है एक कोई मुगलिया फरमान के तहत ये सारे इलेक्शन जोड़े है उन्होंने कैंसल करते है। सब तो पहला तो पंजाब सरकार को ये सवाल है कि जे इस किस्म के इलेक्शन तो इस किस्म धांधलियां होनी है तो फिर इलेक्शन कराने का ही कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं तो समझदा कि गिदड़बा के लोगों नू आप सरकार ने मौत की सज़ा सुना दिती गई है, रहम की जिहड़ी अपील है वह खारिज हो गई है तो साढ़े लोग जिहड़े आ फांसी घाट पर खड़े और मैं गिदड़बा के लोगों नू इस मैसेज के जरिए अपील करूँगा कि आपां अपने मुल्क का जिहड़ा या अपने गिदड़बा का कब्जा है इन्हां लोगों तो वापस लेना है और इस किस्म के हालात जिहड़े है ये सानू ना काबले मंजूर ना काबले बर्दाश्त है। डिंपी ढिल्लों जिहड़े कि अजकल इतों के जे तो जुमा जुमा ताकत चाया नू कोई 7 दिन भी नहीं होए और मैं उन्होंने ये कहांगा कि ये ना समझा जे कि जेडे तुसी कागज़ रद्द कराते तो डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, ये तो तूड़ी की पंड है तो ये मुड़ के थोथों कट्ठी नहीं होनी और जे MLA बन का शौक है, राजनीति करन का शौक है तो इंसाफ का सबक जेड़ा है एक बारी फेर पढ़ो। और मैं उन्होंने ये भी मशवरा देवांगा कि ये जिहड़ी रेत हुंदी है ना ये रेत नू जिन्नी तुसी कुट के फड़ोगे ये ताकत नू जिन्नी कुट के अपनी मुट्ठी च फड़ोगे उन्नी छेती रेत जिहड़ी है थोड़े हाथ चो निकल जाएगी। सो अज जिहड़े आ सारे थोड़े काले कैमरे दी अखां दे राही तुसी देख सकते हो चारे पासे जिहड़े सरपंच या मैंबर पंचायत जिन्हां दे कागज़ रद्द हो गए, मैं उन्हां नू सब तो पहला तो यह कहांगा कि तुसी अपने RO तो नकल लैके आओ उस ऑर्डर की जेडे ऑर्डर नाल थोड़े कागज़ रद्द होए क्योंकि एक बारी आपां नू ये नकल मिल गई तो आपां उहदे तहत आपां DC ऑफिस भी आपां पटीशन कर सकते हैं तो मैं जिन्हें 29 या जिन्हें भी सरपंच जेडे अपनी नकल मैनू आके देंगे मैं मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के जाके उन्हां दी एक पब्लिक इंट्रस्ट लिटिगेशन जी है PIL भी पाऊंगा और ये अनेर गर्दी जी है ये बहुती देर गिदड़बा च नहीं चल सकती। जे पहला कोई 15 साल कोई चली हुई तो मैं वह कोई कह नहीं सकता पर आइंदा गिदड़बा के लोग इन्हें समझण कि साडा कोई पुरसाने हाल नहीं, साडा हाल पुछण वाला नहीं ते जे हुण कोई गिदड़बा के लोगों ते वार करूगा तो BJP पार्टी उहदा वार रोकूगी। मैनू पता चलिया मैं इत्थे गैर हाजिर सी कि इत्थों दे जिहड़े साबक MLA है कांग्रेस पार्टी के प्रधान है वो मेरे खिलाफ अज कोई इन्होंने कट किया बड़ा अनाप शनाप बोल के गए है अज हरियाणे के इलेक्शन हो के हटे है और इतिहासिक जित हुई है BJP पार्टी नू तीसरी मरतबा सीटा वधिया कांग्रेस दियाँ कटियां वो हरियाणे की कहावत है अखे टूटी हुई खाट खाट मंजे नू कहिंदे अखे टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट ये किसी काम के नहीं होते। जिहड़ा जट झुक जाए ना वो किसी काम का नहीं हुंदा। ये जिहड़े कांग्रेस का प्रधान है तुसी किते असेंबली च देखिया होवे जदों CM साहब इहनू कुरकी वटदे इहदा खून सफेद हो जांदा है। अज तक तुसी कदे राजे वड़िंग का बयान नहीं सुने होना जिहड़ा कि CM दे खिलाफ या आम आदमी पार्टी ये काम आउटसोर्स जिहड़ा है ये बाजवा साहब ते जिहड़े होर लीडर है कोई खहरा साहब वर्गे या सुखजिंदर रंधावा ये उन्हां वास्ते कीता होया। रात नूं अखे उपर से लड़ाई और अंदर से भाई भाई उत्तों तां लड़ाई है पर अंदरों इन्हां दा इक्को ही गल वरना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दे हलके 29 जिहड़े है कागज़ रद्द हो जाण
मैं ये मनन नू तैयार नहीं कि ये विचो रले नहीं और ये ड्रामेबाजी जड़ी है ये बहुत ही देर हूँ चल नहीं सकती। और मैं अज इस मौके पर और खास करके जड़े अफसर है उन्होंने भी कहांगा कि अपने छोटे छोटे फायदों की खातर साड़ियाँ आने वाली नस्लों के सौदे करने बंद कर दो, अपने छोटे छोटे मुफादा की खातर अपनी जमीर बेचनी बंद कर दो। और गिदड़बा के लोग जड़े है इस अज के जड़े अज वाकया इन असी बड़ा एक लोगों के मना च गमो गुस्सा जड़ा है गमो गुस्सा भी है। और यदा हूँ असी जो अगला गिदड़बा च बाई इलैक्शन है क्योंकि कई बार जो नवे नवे हुक्मरान बने होंगे उन्होंने अकल से पड़ता इस गल का भी पै जाता है कि यह समझते कि ताकत तो हुकूमत जी है ये तो अकबर होर नहीं रही तो यह डिंपी ढिलो होर कि देर रह सकती है। और अज सारे जड़े असी इतने बैठे असं एहतजाज करा और इन लोगों इन्ह का हक जड़ा असी जरूर गवावे। और मैं गिदड़बा के हल्के के लोगों एक यह भी अपील करा कि और खास करके जेडे कांग्रेस के वर्कर है और कल गिदड़बा च नहीं पंजाब च भी एक वो कहावत है कि जे गिदड़ा का लीडर शेर हो गिदड़ भी शेर बन जाते तो जे शेर का लीडर गिदड़ हो फिर शेर भी गिदड़ बन जाते हैं। थोड़ा लीडर अज राजा बेडिंग है और ये गिदड़ है और इस गल की मैं तस्दीक जी गिदड़बा हल्के के लोग कर सकते म्यूनसिपल कमेटी के जो इलैक्शन से यही राजा बेडिंग जिहड़ा ये मैंने चरणजीत के घरों बिठा के अपनी कार दे विच बिठाया और ये आपकी कार च भी नहीं बैठा जिहड़ियां इन्नियां दलेरियां ना दलेरियां तो जो नाल मतलब हालात दे और ये राजा बेडिंग मेरी गड्डी च बैठा कि यार कितें ये ना होवे तेरी गड्डी थोड़ी जिही अगे निकल जाए तो मैनू पिछों कुट दे। और मैं कुदरती मेरे बच्चों का कोई स्कूल का फंक्शन सी मैं क्या यार मैं 2 बजे दिल्ली निकलना मैं कोई जिवें ही मनप्रीत इत्थों निकलिया गिदड़वा चों क्योंकि मैं तो दिल्ली पहुंचना सी ये भी इतों भज गया। जे तुसी कोई इत्थे कोई आस लाई बैठे हो कि राजा वेडिंग सानू डिंपी होरां तों ते सनी होरां तों बचा लूगा ये आस ना रखिया जे। बहरहाल अज लई इन्ना ही काफ़ी है और मैं एक बार फिर सारे का धन्यवाद करना PIL इलैक्शन पटीशन और लोगों नू हक दवाउण वास्ते मैं वचनबद्ध। हरियाणा चोणां नू मनप्रीत किवें देख रहे हो पहलां क्या सराइयां कांग्रेस दीआं सीगीआं नतीजे कुछ होर आ रहे क्या सराइयां प्रेस दीआं हो सकदीआं या जिहड़े एग्जिट पोल करदे आ सानू दरअसल पता सी कि जिहड़े पिछले 15 दिनां दे विच देखो भाई साहब गल इह है कि अक्सर जिहड़ा ना कल नहीं तां परसों सच ने हमेशा सामने आउणा है और रब ने कहा कि मैं सच्चे बंदे का साथ दूंगा। हरियाणे के लोग जिहड़े है ये समझदार लोग है ये अकलमंद लोग है और इन्हों अपने नफे नुकसान का पता है इन्हों शराब तो शरबत का फर्क पता है इन्हों अपने बुरे परे की तमीज़ है। और जो पिछले 10 साल के हरियाणा के जो डिवेलपमेंट हुई है हरियाणा की या तो वह जानते हैं और पंजाब ते हरियाणा दो सके भरा है एक माँ की औलाद है अस चलो भरा अड हो जाते हैं कोई वड्डी गल नहीं है पंजाब ते हरियाणा अड हो गए 60-40 दे विच असी सारी अपनी माँ बाप की जायदाद पंजाब ते हरियाणा ने वंड ली। थोड़ा जा हो सकता है असी बेईमानी ये कर गए कि हरियाणे नू असी बंजर जमीन देती रोहतक भवानी महेंद्रगढ़ रिवाड़ी जिहड़ी कि टोया टिब्बिया वाली जमीन सी चंगी चंगी जमीन पंजाब कोले रह गई। और मैं थोड़े सवाल का जवाब दे रहा अज हरियाणे की जिहड़ी आमदन है जिहनू असी फाइनैंस दे विच रेवेन्यू कह दिंदे पंजाब नालों दुगुणा नहीं तिगुणा नहीं चौगुणा नहीं 5 गुणे ज़्यादा वो जिहड़ा साडा छोटा भरा जिहनू असी बंजर जमीन दे के गए सी अज 5 गुणा उहदी आमदन है 5 पौड़ियां पंजाब तो उत्ते चढ़ गए हालांकि पंजाब नू 10 पौड़ियां उत्ते चाहिए सी क्योंकि साडे कोल तां जमीना चंगीआं सी। सो मेरा कहने का मतलब कि ये लोग जिहड़े है अपना नफा नुकसान समझते हैं
उत्थे जिहड़ा पिछले 10 साल का दौर चलिया उन्हें हरियाणे नूं बहुत अगे लेके गए, इस तों ज्यादा की कह सकते। जिमनी चोणां दी तैयारी किवें मनप्रीत बादल ने गदरवा दी गल कीती है सब ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਲੜਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੜਨਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੇ हर घर के पहुँचावा और मैं और मेरे साथी और कुछ कई ड्यूटियां बाहरों भी लगियां, कई जिहड़े इच्छे बीजेपी का काडर से सारे रल मिल के पंजाब नूं पंजाब दे हाल ते नहीं छड्डिया जा सकता, पंजाब नूं पंजाब नूं किसी के रहमो करम ते नहीं छड्डिया सकता। सियाणे बंदियां दे संग चलांगे और जिहड़े बंदियां ने पंजाब का नुकसान किया उन्हां तों अपना देश वापस खोवांगे। जे सामना भरा नाल हो गया मनप्रीत दे पैर पिछे तां नहीं हटणगे सुखबीर सिंह बादल दा शरण। महाभारत दे विच जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन नूं सुनेहा दित्ता सी, बस ओह सुनेहा याद कर लूंगा। 95 द्वारा दिखाऊंगे जी लग सब। ये तो हुण मैं अज थोड़ा जिहा थोड़ा सवाल जिहड़ा है जिहनूं अंग्रेजी च कहिंदे ना प्रेमेच्योर है कि जे बीजेपी मैनूं टिकट ना नवाजूगी तां मेरी हर मुमकिन कोशिश होएगी कि जो मेरियां जो आसा नाल या उम्मीदा इस हल्के दे लोकां दीआं उन्हां दी तवक्कुआत ते मैं पूरा उतरा। तुसी शायद तुसी तां पुराने हो गिदड़बाज, तुसी पिंडां च वी जाने हो, जिन्ना चिर मैं एमएलए रहा और जो थोनू गिदड़बाह दे विच तरक्की दे मनसूबे थोनू नज़र आउंदे आ मैं परमात्मा तों डर के कहना, मतलब हंकार दा ते परमात्मा दा वैर पै जांदा। अगला कहिंदे वड्डे बोल ना बोलीए, पर जिन्हें तुसी राजे विड़िंग दे तीन वारी तो वह भी शायद इतों एम एल ए बन गए, डिंपी साहब भी 10 साल उन्होंने भी इतने सुखबीर बादल थले काम किया, पर जिन्हें पत्थर जड़े है भावें उस सड़कां दे है पुलां दे है पिछे वह सारे जड़े है वह उस दौर से जो मेरे को इस हल्के का प्यार ते भरोसा सी। और जिदन का मैं गया मैं दुख ना कह रहा, मैं कोई ये फकर ना नहीं कह रहा, मतलब ये मैनू कोई मतलब यू नो आई एम नॉट टेकिंग प्लेजर इन सेइंग दिस कि गिदड़बा हलका उत्थे ही खड़ गया जिथे छड़ के गए सी। सब तुसी कोई लोग उम्मीद कर सकते हो तुहाडे तों सर वी अगे कोई इत्थे होगा विकास जिवें कोई पहला होया सब। मैं अज तां इह गल नहीं अपने मूँह तों कहांगा, पर जिहड़े बहुत वड्डे वड्डे इस हल्के दे प्रोजेक्ट है जिहड़े कि मैं समझना जिहदे नाल देखो सरकार दा इक धर्म है, सब तो वड्डा धर्म की है किसे तों दाबा नहीं देना किसे ते परचा नहीं पाउणा। सरकार दा इक सब तो बुनियादी फर्ज है कि और इस क्योंकि गिदड़वे दी तुसीं गल करी, गिदड़वे हल्के दे लोकां दी कमाई च किवें वाधा कर सकीए, लोकां दी आमदन दे विच किवें इजाफा कर सकीए, और आमदन दे विच इजाफा तद होएगा जो उत्थों का जिहड़ा गरीब तबका है उन्हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के जिहड़े घर है और जिहड़े किश्तां च पता नहीं है क्यों इन्नी वेरीफिकेशन च स्टेट सरकार कि इक्के छल दे विच गिदड़बाह दे हर परिवार नूं घर मिल जाए, सोलर ट्यूबवैल जिहड़े है जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी स्कीम है वह मिल जाण। गिदड़बाह शहर इतफाक नाल इहदी हुण आबादी 75,000 हो चुकी है, 75,000 का मतलब है कि ये सरकार की जिहड़ी अमृत स्कीम है, जिहड़े शहर 75,000 या उहदे उत्ते आबादी वाले हुंदे है वह अमृत स्कीम दे विच आ जांदे है। मेरी हर कोशिश ते काविश होएगी कि गिदड़बाह शहर नूं अमृत दे विच लैके आईए। अमृत का मतलब है कि इत्थों दा सीवेज, इत्थों दा पीण वाला पानी, इत्थों दीआं गलियां नालियां, इत्थों दी स्ट्रीट लाइटिंग, इत्थों दा पार्क, ये सारे जिहड़े है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे फंड जिहड़े इत्थों मुहैया होणगे। जे कोई सोचे कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੇ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪੱਕੇ ਖਾਲ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ,
मैं काडा दे विच्चों गिदड़बा हल्के वास्ते वो पक्के खाड़ा दे वो सारे जिहड़े फंड है वो भी जिहड़े इत्थों लैके आउणे है। सो गिदड़बा दीआं बड़ियां जिहड़ियां मसले है वो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे वसूक नाल मैं वो जिहड़े है पूरे कराऊंगा। और मैं शायद अगेन मैं ए नहीं कि मैं आपके मूँह कहना सोहना नहीं लगता पर मैं 9 पंजाब दे बजट पेश कीते 9 बजट नॉर्थ इंडिया का एक भी फाइनेंस मिनिस्टर है नहीं इस वेले जिन्हें 9 बजट पेश किए हो 1.5 लाख करोड़ रुपए सड़क वाले नूं किन्ना देना अस्पताल नूं किन्ना देना स्कूलों नूं किन्ना देना नहरों नूं किन्ना देना खेड वाले नूं किन्ना देना ये मेरे पोटियां ते सारा याद है। और ये जिहड़ियां स्कीमां जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दियां किहड़ी खुड च किहड़े पैसे किहड़ी स्कीम विच पए है। और मैं तुहानूं इक छोटा जिहा हसिया जिहा मेरी गल ते मैं निक्का जिहा हुंदा सी और साडे घरे मुर्गियां पालियां सीगियां और कला मैं सी सारे परिवार चो जिन्हों पता होंदा सी केड़ी मुर्गी कित्थे अंडा दिंदी है कि तूड़ी वाली सवात च दिंदी है दलान च दिंदी है ड्योड़ी च। सुखबीर होरां नूं नहीं पता सी वी अंडे कित्थे पए मैनूं पता सी मैं सारे अंडे चक के गिदड़बा वास्ते लैके आऊं। सर सुनील जाखड़ दी जिहड़ी चुप्पी आ उह किस तरहां दी? सुनील जाखड़ बड़े काबल और बड़े अच्छे इंसान है मतलब इक तां होंदा ना काबल अच्छे बड़े अच्छे इंसान है और उह पिछले उहनां दे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली प्रॉब्लम्स के आई थिंक मैंने लगा उन्होंने जिहड़ी वाइफ है वो शायद उन्होंने सेहत ठीक नहीं तो थोड़ा जिहा वो इन्हों चुप्पी ना समझा जाए पर गैर हाजिरी जरूर है और उन्होंने गैर हाजिरी सानू ये महसूस होंगी है कि एक काबल जो साढ़े को लीडर है नहीं तो असं उन्होंने बगैर अधूरे हैं और काश परमात्मा उन्होंने छेती सेहत याब करे और फिर वो बीजेपी पार्टी की क्यादत कर। बादल साहब तुसी कहने हो जी मुक्तसर सुखबीर सिंह बादल बैठे थे किस मसले च इसे जो है पंचायती मसले बट मैं समझदा कि ये जेड़ा आज दा पंजाब और ये तमाम पंजाब च होया शायद ये कल्ला मान गिदड़वे नु नहीं हासिल और मैनू लगदा है भी ये हाई कोर्ट एदा इना सू मोटो एदा नोटिस लेगी कि इस किस्म दे इलेक्शन जेड़े है हो सकदा इंडिया दे कितने ना होए हो। सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी मेहरबान थैंक यू सर।